घुमा करके लाओ। तुम सहेली हो तो हल्का ठाड़ी हो, है ना संघरा? हाँ, कैसी सहेली छोड़ के जा रही। अरे धीरे धीरे लोग मीडी पूजा करीबे चली भर। ओले ओले ओ रुकमणी, धीरे 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 पानी लगान जा रही घर मार। अरे ए जी जाके दिल में हम बे जाके दिल में पिया की आस धीरे धीरे रुकमणी। चली है रुक्मणी पूजा करने और कैसे जा रही है? अरे लाल चुनरिया डाली सिर पे ओढ़ी के दी। अरे लाल चुनरिया डाली सिर पे ओढ़ी के दी। अरे ए जी मैं तो बनूंगी हमें मैं तो बनूंगी कृष्ण की नारी धीरे धीरे रुकमणी। अब रुकमणी जैसी चली पधारो बिट्टी, बैठ जा भाई, बैठो वहां बैठो जाए सहेला। तुम भाई जाओ कहूँ? हाँ, और सहेली ध्यान ना खेव पनी तलिया तलिया। अब आल हो, हाँ ठंड ना लग जाए उड़ा दे। बोलिए रुक्मणी मैया की इधर। अब रुक्मणी मैया पूजन करने जैसे ही चली तो रास्ते में मिल गया भाई रुकम। रुक्मणी रुक्मणी कान लगी मरी पर फेरा गो कौन अच्छा काम करन जाती पहले अठेन कर देता है। हाँ क्या है बता, कहाँ जा रही है? पूजा करने जा रही हूँ। रुकम बोला ये सेना लगी है दिख रही है ना, इससे आगे मत जाना, इसके अंदर ही रहना। हाँ ठीक है। अब ये लड़कियों को लेकर चली तो रुक्मणी जी मंदिर की तरफ बढ़ी। भगवान ने दूर से देखा 10-12 इकट्ठा चली आ रही है। अब रुक्मणी जी ने सोचा कि कन्हैया ने हमको तो कभी देखा नहीं है, कहूँ ना वही हमारे धोखे दूसरी कला दे चले जाए, हम यही रही जान बर्तन दावत। हाँ तो एकदम से रुक्मणी जी ने दूर से हाथ हिलाया तो सोने का कंगन बंधा था, भगवान जान ही गए यही है रुक्मणी। रुक्मणी ने सोचा कि जा रही हूँ भगवान कन्हैया के साथ में तो मैया का पूजन कर ले गिरिजा का अलोपा भवानी का। तो अंदर गई पूजा करने तो कन्हैया बार बार दरवाजे की तरफ झांक रहे कि अब निकलें समय हो रहा है, बलराम जी नाराज होंगे। और भैया रुक्मणी जी की एक सहेली अति तुतली तो वो कन्हैया की तरफ देखे और फिर दरवाजे की तरफ देखे, बोले जो इतनी देर तक कब देख रहे हो गेट की तरफ? अभी रुको भी बताऊंगी। वो गई कन्हैया से लेने लगी, ताला था ताला था देख लेन दुई धंता आते तू हमारी दीदी तो धूल लो है तले ना ताला था। तो भगवान ने ध्यान दे भगवान ले हाँ अकल है अकल दिखा रहा है वो तो दाना था इनका उन्हान लुकमली की थैली है भाऊ मैं पतेल जाऊँ तो ले ध्यान ला के कल लेना एक घंटा ते जब ते आओ हम देख लें बेल बेल दरवाजे की तरफ देख लो है कब वही थी मोली नहीं देखी का? भगवान बोले चपरा ने कई घूसम दांत बाहर हो जाएंगे। हाय दीदी देख का घूथा मरवे अद्धा का ना एक हा बतावा ना वही तरे ना का। एकदम से रुक्मणी बाहर आई बोली क्या है किससे लड़ रही है? अरे दीदी पूरी बात तो सुनो। बोले ता है यो दुई धंता तुमका धूल लो है दबते आओ है तबते तुमका धूल के लेगा दीदी तुम एक दा हो तुम तर दे हो ये था एक ही दांत निकाल ले ना बाहर है धलम नहीं आमत है दीदी यो लहत कहां है खा तुमने कहूं देखो नहीं अपने गांव में।
बोले तुमसे कोई लेना देना? हाँ यहो बात था ही है। हाँ, तो एकदम से रुकमणी कन्हैया के पास में गई तो मुड़ी कान लग हल्लो तुम ओके पंद्र का करन जा रही हो, हम ओके लड़ाई कर चुकी हैं, तुम ओके बतियान जा रही हो। रुकमणी चुप रहा, दई घंटे ते कै ला गई। हाँ, शांत खड़ी रहे। रुकमणी जी पास में गई तो लड़की वो खुद आई कन्हैया के पास में, बोली बोली तुम बात नहीं तलो दी, मैं खुद हूँ थीनियल थीनियल थेली इंटेलिजेंट दलमोन ओपीतल। मैं खुद बात करूंगी। अब आगे बली बोली, ए ताले ते हो, कोई अदलेत बगेला है, आधाल काल बगेला ताले ते हो? तो भगवान ने जवाब दिया कि हर जगह थिल्ली का हर जगह, एक आदमी एक ही जगह तो ले थकता है, हर जगह कैसे? अब भाई उसको क्या मालूम कि भगवान हर जगह रहते हैं, है ना, हर जगह तो है ही भगवान। तो बोली ए तुम्हारी तमल में क्या है, कमल में क्या है? भगवान बोले बसुरिया चलो बताओ, हम भी देखें कैसी बजाते हो। तो भगवान बोले अगर हमने बजाई बसुरिया तो चारों तरफ लगी सेना टूट रही है पसुरिया, हम नहीं बजाएंगे। तो रुकमणी भी चंबोल पड़ी, कहे तुम्हारी बंसी सोने की बनी है का? भगवान बोले बिल्कुल। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमायो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है, शेष ने काटी और महेश ने पौड़ी, और ब्रह्मा ने सन कादि करी है, और तुम सो मांगी रही देखन को, और मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। ऐसे नहीं देंगे। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, समय हो रहा है जल्दी बैठो चलो। रुकमणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने पकड़ा हाथ, बैठाला और क्या किया, अरे भाई समय में गिरधारी ने पकड़ी झपटी कलाई, महाराज प्रभु ने रथ को दियो बढ़ाए, और जितनी बिटिया कुंदनपुर की हल्ला दियो मचाए। अब भगवान ने हाथ पकड़ा, रुकमणी को बिठाया, लेके जैसे ही आसमान में गए तो तले आवा मरीज क्या बोली, भूतो तलिया तलिया करिया करिया तो आए जी जी का लेगा, भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ा और रुकमणी जी को रथ में बिठाया, लेके 9-2-11 और ले वाह तो तले वाह, हाय हाय दीदी हमका तक्कल वाला, हाँ यो लईदा लईदा लईदा, हाँ यो द्याखम नाई आई थला गति लहाय, अब वो लुकमवा मात डाली हमका, कह रहे कैमरा चालू है बंद कर, ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, रुकमणी जी तो चली गई। अब लड़कियां बोली क्या होएगा क्या होएगा, हाय जिजी तुमको कुछ लग ही नहीं रहा, वो ले दया अपनी लुकमली जी को ले गया, वो लुकम जिंदा नहीं थोलेगा, वो मुत्ते पूतेगा, दीदी ताओ है मैं त्या तो होंगी, अब तुम ऐसा कलो दद्दा खोद के यही गाल दो मुझे। मैं दल नहीं दाऊंगी, वो मुझे तत्ता खा जाएगा, तुम मुझे माल के यही डाल दो, मैं घर नहीं जाऊंगी। एक बोली ले गो तो बढ़िया ले गो, हम यो सोच के परेशान, पता नहीं कब की सांठ गांठ रहा है, उलर के पत्थर बैठी गई।
किया होने की पाए फड़फड़ा दे की बचाओ बचाओ। कहा दीदी हमका लागत या पितौना पहले बात गलत रहे होते हमका इत लागत है। हाँ तब देखो कई तो बदत बैठ गई और तनको न लोई न तिल्लाई हमते कहा ताता बाय बाय दे तो लई दीदी हमें धल ना ले जाओ वो लुतमुआ दांत मात डाली हमका। हाँ बोले चल चल अब घर तो चल नहीं है तुझे कुछ नहीं मालूम तुमका मालूम है तुम ही बताओ तब ते तल्ला हो यू तुम। बोले घर चल। अब जैसे ये घर आई अब रुकम दरवाजे पे खड़ा था रुकम देखा लड़कियां आ गई तो सोचा रुकमड़ी भी आ गई होगी रुकमड़ी मिली नहीं एकदम से चिल्लाया ए लड़कियों एकदम तुतला बोलियो मैं तही तिलायो माली। हाँ अब दीदी तुम ही बता सकती हो रुकमणी तुम्हारे साथ में पूजा करने गई थी कहाँ रह गई वो। अब उसने ये सोचा कि हम पहले बता दें तो हो सकता है हम बच जाएं तो वह खुद ही आ गई बड़ी तो नो आई थी तो नो इनाओ हम बताई ता बात है। बोले हाँ तुम ही बताओ परमेश्वरी का बात है दद्दा आंथिन दे थी बात बताई थी है दिल ते बता लेन धूती नहीं बोली बे। बोले बता अच्छा क्या बात है। बोले ए तू तलिया तलिया आओ ओ आओ। उसने दीदी का हाथ पकला लत पर बिठाया लेके पुल तला गया। बोले कौन कौन आया उसको समझ नहीं आया रुकों को बोला कौन आया तो बोली ओ थो महिला होता तो नहीं पल्ला क्या हम कह ले ए तो तलिया तलिया ललका आया करिया करिया लड़का हाँ थम धम पहला होता थम धम नहीं आलो एक तलिया तलिया ललका आओ दीदी का लथ में बैठाओ लेके पुल। हाँ रुकम समझ गया कि ये सब उसी ने किया है कन्हैया ने। उसने सोचा अगर तो तलियावा बाहर रही गांव भरे में बता ही जाके गांव भरे में बदनामी अलग थे हुई जाई तो उसने क्या किया उसको उठाया बंद कर दिया कमरे में और ले वो अंदर मरी जाए हम तो फालतू बंद कलगा यो 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 मलिका हाई हलामी देख ले हमका कमल एक तो हम थई थई का बात बताई उल्टा हम ही का तमला में बंद करके तलोगा कितनी गंदी बात है। बोली है कि बहनी भाग गई कि बहनी भाग गई। हाँ अब ये रुकम वहां से चला अब पहुंचा अपने साले के पास में शिषपाल के पास में। अब ये इधर से चिल्लाया हो जीजा। अब वो उधर तो चिल्लाया हो जीजा उधर से बोलो ओ जीजा। बोले का जीजा। बोले ले गो जीजा मरो जीजा। सुनो जाकी हती रे सोई ले गयो अरे मेरे जीजा अब क्या खाक बटोरन आए जी कन्हैया जी नहीं है कन्हैया और लोग कब आई हो तो लेके 9:11 हुई गई। आओ तुम ही हो अरे तड़ी पार कन्हैया बहुत दुबरे रुकमणी पट्टी कौन तुम्हारा अरे जाकी हती रे सोई ले गयो अरे मेरे जीजा अब क्या खाक बटोर में आए उसने जवाब दिया कि जिसकी थी वो तो ले गया अब तुम यहीं रहो। बोले कौन ले गया।